टेक्नोलॉजी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। शहर के मोहल्ला सुल्तान पीर में गोली मारकर किशोर को मौत के घाट उतारने वाले नामजद आरोपी को कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि हाजीगंज के मोहल्ला सुल्तानपीर निवासी यासीन के 15 वर्षीय पुत्र मोहम्मद कैफ की विगत 28 दिसंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना को लेकर यासीन ने मोहल्ले के ही बाबू पुत्र इकरार एवं साकिब पुत्र शरीफ के खिलाफ कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना में नामजद आरोपी बाबू पुत्र इकरार को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था, जबकि घटना का मुख्य आरोपी शाकिब अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था, जिसकी तलाश में कोतवाली पुलिस विगत दिनों से सुराग रस्सी कर रही थी। शनिवार को शहर कोतवाल आलोक कुमार दुबे ने मुखबिर की सूचना पर मकरंद नगर तिराहे पर घेराबंदी करते हुए उक्त आरोपी मोहम्मद साकिब को उस समय दबोच लिया जब वह कहीं भागने की फिराक में था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस का खोखा भी बरामद कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।